पुलिस की तारीफ, बोले 1,60,000 सिपाहियों की कमी के बावजूद बेहतर काम कर रही है यूपी पुलिस। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर दर्ज होगी एफआईआर, पिछले साल भारतीय सेना पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। लखनऊ में शिक्षा मित्रों के मुंडन विरोध पर तेज हुई राजनीति, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, सरकार पर लगाया शिक्षा मित्रों का विरोधी होने का आरोप। हरिद्वार में नकली शराब बनाने के कारखाने पर छापेमारी, बड़ी संख्या में अंग्रेजी शराब के ढक्कन, रैपर और स्टैंप बरामद, एक गिरफ्तार, बाकी फरार। और उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं में किए जाएंगे बदलाव, आकर्षक बनाने के साथ ही बड़ा किया जाएगा साइज़।